दोस्तों आप जानते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना जी और शिवसेना के बीच में काफ़ी सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। इससे पहले भी कई बार कंगना जी ने पालघर में जो साधुओं की हत्या हो गई थी इस पर काफ़ी बार आवाज़ उठाई थी और उनके लिए इंसाफ की मांग की थी, जो बहुत ही सही बात है क्योंकि साधु एक अहम हिस्सा है हमारे देश का, जो सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए प्रार्थना नहीं करता बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करता है मंदिर में बैठ के। इसलिए इस मुद्दे पर आवाज़ उठानी चाहिए ताकि वहाँ की सरकार इस पर एक्शन ले और फिर से ऐसे साधुओं के साथ गलत ना हो। लेकिन गाइस यही आवाज़ उत्तर प्रदेश के साधुओं के लिए क्यों नहीं उठाई जाती? जब महाराष्ट्र के पालघर में ये इंसिडेंट हुआ था बिल्कुल उसी टाइम पे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक मंदिर में घुस के दो पंडितों को मार दिया गया, जबकि मंदिर को एक पवित्र जगह माना जाता है जहाँ भगवान का एग्जिस्टेंस होता है और भगवान का सबसे चहीता बंदा उसका साधु होता है। आप सोचिए कहीं पे मंदिर में घुस के अगर साधुओं को मार दिया गया तो इस पर आवाज़ उठाने वाला नहीं है कोई भी। महाराष्ट्र के पंडितों के लिए 100 के ऊपर डिबेट्स हो गई, जो खुशी की बात है 200 डिबेट्स भी होनी चाहिए थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के पंडितों के लिए कम से कम 10 डिबेट भी नहीं। दोस्तों क्योंकि हम मोदी जी के फ़ैन हैं इसलिए ज़रूरी नहीं कि हम मोदी जी के खिलाफ बोले ही ना, क्योंकि मोदी जी ने खुद ट्वीट करके बोला था कि डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म कंपलसरी होना चाहिए, तो मोदी जी खुद चाहते हैं कि हम उन्हें क्रिटिसाइज करें ताकि मोदी जी उस पर एक्शन लें और भी अच्छे से उस पर काम कर सके। अगर हम आवाज़ ही ना उठाएं उत्तर प्रदेश के पंडितों के लिए तो मोदी जी को पता कैसे चलेगा और वो कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार पर एक्शन लेकर सब कुछ सेट करेंगे? दोस्तों भारत के पंडितों के लिए ये सबसे बुरा दौर गुजर रहा है, स्पेशली उत्तर प्रदेश के पंडितों के लिए, क्योंकि बाकी जगह तो आवाज़ उठाई जाती है लेकिन वहाँ के पंडितों के लिए आवाज़ उठाने वाला भी नहीं बचा है। शायद तब तक उन पर यूं ही जुल्म होता रहेगा जब तक वो खुद पंडित अपने लिए आवाज़ ना उठाएं। थैंक यू सो मच गाइस।